हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3800 प्राइमरी टीचर की आई हुई वैकेंसीज के बारे में, जो कि विदाउट किसी पेपर के, विदाउट किसी इंटरव्यू के है। ओनली मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा और इसमें देखेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है, क्या बीएड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एज क्राइटेरिया क्या है इनका और सैलरी क्या है, तो इन सब चीज़ों पे भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से आया है। जैसा कि आप ये देख रहे हो, नोटिफिकेशन ये आया है गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से, जो कि ऑफिस ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन असम की तरफ से आया है और ये आया है 26 दिसंबर 2023 को। तो इसमें इन्होंने बताया कि ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए इन्होंने आरटी एक्ट 2009 के तहत वैकेंसीज निकाली हैं और इसमें सिर्फ जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, उसके अलावा फॉरेन के इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ इन्होंने बताया आपके पास असम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में से एक क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने सीटेट वालों को भी एलिजिबल किया हुआ है, तो आप देख सकते हो अगर आपने सीटेट भी क्वालिफाई किया है तो आप भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और 3800 वैकेंसीज बताई है इन्होंने, जो कि असिस्टेंट टीचर ऑफ एलपी स्कूल्स के लिए है। और ये इन्होंने यहाँ पे सैलरी बताई है कि पे बैंड 2 के तहत आपको सैलरी दी जाएगी, जो कि ₹14,000 से लेके 70,000 के बीच में आपका पे ग्रेड रहेगा। और साथ में अदर अलाउंसेज भी, जिसमें DA और HRA आता है, तो वो भी आपको अलग से मिलेंगे। इसके बाद इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाली हैं इन्होंने, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, मीडियम वाइज है और कैटेगरी वाइज है। तो उनको एज पर रिजर्वेशन रूल, जो असम के रिजर्वेशन रूल हैं, उनको डिवाइड किया गया है फॉर OBC, MOBC, SC, ST, PWD, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, इन सब कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया है। और इन्होंने बताया है कि ये एज पर इन्होंने रोस्टर किया है, जो भी इनका रोस्टर है उसके बेस पे इन्होंने ये रिजर्वेशन सभी का डिवाइड किया है। और द अपीयरिंग कैंडिडेट मस्ट बी रेडी टू सर्व इन द रिस्पेक्टिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन टर्म्स ऑफ चॉइस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करोगे, तो वो तैयार रहें वहाँ के लिए, अगर उनकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे काम करने के लिए वो तैयार रहें। आगे इन्होंने बताया कि कंडीशंस ऑफ रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट की क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहले इन्होंने बोला कि जो भी पोस्ट निकाली है ये, तो इसके सारे जो भी राइट्स हैं वो डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के पास रिजर्व हैं, वो किसी भी टाइम इसको कैंसिल या पोस्टपोन कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो आपके पास ATET या CTET में से कोई भी एक एलिजिबल हो, आप किसी भी एक में, जो कि लोअर प्राइमरी लेवल के लिए होना चाहिए, मतलब असम टेट या CTET में से आपका कोई एक टेट पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास Language 1 और Language 2 जो आपने ATET या CTET में ली थी, वो आपका मैच करना चाहिए जो आप स्कूल में फॉर्म फिल कर रहे हो उससे, क्योंकि इन्होंने मीडियम वाइज निकाली है पोस्ट, तो आपका जो मीडियम है वो मैच करना चाहिए जिस स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हो उससे। और इन्होंने बोला कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी और कैटेगरी वाइज, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ये अलग अलग मेरिट लिस्ट निकालेंगे और कैटेगरी वाइज। इसके लिए इन्होंने एज क्राइटेरिया दिया कि मिनिमम एज है 18 ईयर और मैक्सिमम है 40 ईयर, जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। उसके अलावा जो रिजर्वेशन के तहत इन्होंने यहाँ पर रिजर्वेशन दिया, 42 ईयर इन्होंने मैक्सिमम रखी है एक्स सर्विसमैन की, 43 ईयर रखी है OBC और MOBC की, 45 ईयर रखी है SC और ST की, 50 ईयर्स रखी है PWD की, जो कि ये काउंट करेंगे 1 जनवरी 2023 से। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हो जो 6th पॉइंट है ये मेंशन किया, तो यहाँ पे ये देखने योग्य है कि इसमें इन्होंने मेंशन किया, ये आपको पॉइंट आज से पहले किसी भी एडवर्टीजमेंट में नहीं दिखा होगा। इन्होंने बताया यहाँ पे कि नो पर्सन हैविंग मोर देन 2 लिविंग चिल्ड्रन ऑन और आफ्टर 1/1/2021 फ्रॉम ए सिंगल और मल्टीपल पेरेंट्स शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन स्मॉल फैमिली नॉर्म्स।
तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, इन्होंने बोला कि अगर आपके पास मोर देन टू लिविंग चिल्ड्रन है जो कि 1/1/2021 तक, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। उसके बाद अगर आप देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा साथ के साथ जब आप ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उस टाइम पे, जो कि आपको खुद सिग्नेचर करके अपलोड करना पड़ेगा। और फॉर्म फिल करने की डेट बताई है इन्होंने कि 2 जनवरी 2024 से 2 फरवरी 2024 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो ऑनलाइन। यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट मेंशन की है, आप इस साइट पे जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई भी ऑफलाइन फॉर्म ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ आप ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और इन्होंने बताया कि ये आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे डिजी लॉकर से, डिजी लॉकर पे वेरीफाई करेंगे उनके QR कोड को स्कैन करके और देखेंगे। उसके अलावा ये आपको फिजिकली भी बुला सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय आपको फिजिकल भी बुला सकते हैं। इन्होंने बताया कि जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, और सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जो भी आप अपलोड कर रहे हो, जो भी डिटेल दे रहे हो वो सब डिटेल करेक्ट होनी चाहिए, जो आप जब जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उस टाइम पे आपके पास सभी चीज़ें मिलनी चाहिए। और अगर आप कोई भी जानकारी गलत देते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ़ लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो इसलिए इन्होंने बोला कि जो भी आप फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी जानकारी दे रहे हो तो उसको बहुत ध्यान से भरें और बिल्कुल सही सही जानकारी दें, डॉक्यूमेंट सही डॉक्यूमेंट लगाएं, ताकि जो भी आप वहाँ पे अपलोड कर रहे हो जानकारी उसके बेस पे आपका सिलेक्शन हो सके फाइनल, और अगर उसमें कोई भी कमी पाई जाती है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही साथ आपके लिए लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। जो पहले से ऑलरेडी टीचर वर्किंग है LP स्कूल्स में रेगुलर टीचर्स, वो इस भर्ती के लिए अलाउड नहीं है फॉर्म फिल करने के लिए, तो इन्होंने बोला कि वो ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। साथ के साथ इन्होंने ये भी बताया कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका आसाम टेट या सेंट्रल टेट के रोल नंबर से, एक रोल नंबर से एक ही फॉर्म फिल होगा, उसके अलावा आप दूसरा फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो आप कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बताया कि टीचर असिस्टेंट फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए आपके पास 12th होनी चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। और इन्होंने यहाँ पे वेटेज भी बताई है कि अगर आपने 12th की है तो 12th के आपके 5% मार्क्स लगेंगे, इसके साथ आपके डिप्लोमे के 5% मार्क्स लगेंगे, टेट के 85% मार्क्स लगेंगे। और इसके अलावा अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है और आपने कोई भी नेशनल या स्टेट लेवल पे आपने किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन किया और कोई रैंक आया आपका, तो 5 मार्क्स उसके बताए हैं इन्होंने, और 5 मार्क्स बताए हैं इन्होंने कल्चरल एक्टिविटी के। तो इन तीनों कैटेगरी में इन्होंने बताया कि आप मैक्सिमम 5 मार्क्स ही ले सकते हो। तो अगर आपके पास तीनों कैटेगरी में से भी किसी भी कैटेगरी में आपने क्वालिफाई किया है या कहीं पे अच्छा रैंक आया है आपका, तो आप उसके भी नंबर ले सकते हैं, इन्होंने मैक्सिमम 5 मार्क्स बताए हैं इसके। ऐसे ये टोटल मैक्सिमम 100 मार्क्स का क्राइटेरिया बनाएंगे और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। स्केल ऑफ पे बताया इन्होंने, पे बैंड सेकंड है जो कि 14,000 से 70,000 के बीच में आपको मिलेगा, और इसके अलावा अदर अलाउंसेज आपके अलग से हैं। और जो नॉट क्लियर द कैंडिडेट हैविंग नॉट क्लियर स्टेटस अगेंस्ट एनी क्वालिफिकेशन विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई, अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन क्लियर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और आपने अगर बेटरमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए कोई पेपर दिया है तो सेम सब्जेक्ट का दिया है तो ही वो कंसीडर किया जाएगा, उसके अलावा कंसीडर नहीं किया जाएगा। देयर शैल बी रिजर्वेशन फॉर, ये बताया इन्होंने कि जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलेगा, OBC, MOBC, SC, ST, PWD, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, चाहे आप कोई भी हैं तो इनके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि
जिन्होंने असम टेट और सी टेट क्वालिफाई किया है उनको ये फिल करना है। जैसा कि इसमें इन्होंने डिटेल बताई है क्या क्या फिल करनी है, आपको जो भी टेट आपका क्वालिफाई है उसका रोल नंबर लिखना है, सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, नेम ऑफ कैंडिडेट लिखना है, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, लैंग्वेज 1 और 2, जेंडर, कास्ट, और उसके बाद PWD हो या नहीं तो परसेंट लिखना उसका, और क्वालिफाइंग ईयर ऑफ पासिंग मार्क्स। तो उसके अलावा इन्होंने बताया कि आपको जो भी आपकी 12th की पासिंग मार्क्स का ईयर है और आपने कितने परसेंट मार्क्स से किया वो लिखना आपको 12th का, फिर आपने जो डिग्री की है उसका लिखना है आपको, फिर टेट का लिखना है, फिर DLED का लिखना है। तो आपको ये सब डिटेल देनी है इसमें फिल करके। उसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म, तो इसको सबमिट करना है। इसमें आपको बताना कि हम जो भी जानकारी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और अगर इसमें से कुछ भी गलत पाया जाता है तो हमारा फॉर्म को रिजेक्ट या कैंसिल कर दिया जाए और लीगल एक्शन जो भी बनता है वो लिया जाए। और आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर। तो उसके बाद आपको सबमिट, रिव्यू और फिर प्रिंट निकाल के आपको अपने पास रखना है। तो इन्होंने बताया कि सिलेक्शन कैंडिडेट शैल बी स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो उनका मेरिट बनेगा जो कि उनके रिजर्वेशन के बेस पे बनेगा। और डॉक्यूमेंट बताया इन्होंने कि क्या क्या चाहिएंगे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं अपलोड करने के लिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और इसके अलावा DLED का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट इन परमानेंट रेजिडेंशियल ऑफ आसाम, अगर आप आसाम के हैं तो आपके पास उसका परमानेंट कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए सपोर्ट के लिए, और अगर आपने टेट पास किया तो उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप PWD हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ के साथ आपके पास स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए। तो इसके अलावा इन्होंने यही बताया कि आपके पास एक, अगर आपने असम टेट या सी टेट किया तो उसके एक रोल नंबर से आप एक ही फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, उसके अलावा कोई दूसरा फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। और आपको जब ये फॉर्म फिल करोगे आप तो आपको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, वो आपको अपने पास रखना, और साथ में इसका प्रिंट आउट निकाल के भी आपको अपने पास रखना है। और आपको अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन भरते हैं और कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप सभी जिम्मेदार हैं, डिपार्टमेंट कोई भी उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, इन्होंने अपनी यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की है, यहाँ पे जाके आप अपना ऑफिशियल जो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा ये हमने बात की जो 3800 PRT टीचर की वैकेंसी आई थी उनके बारे में, इसके अलावा हम बात करेंगे TGT के बारे में। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो ये दूसरा नोटिफिकेशन है TGT को लेके, यहाँ पे TGT की भी साथ में पोस्ट आई है, तो यहाँ पे बात करने वाले हैं हम कि TGT की कितनी पोस्ट आई है। आप देख रहे हो कि 1750 पोस्ट हैं जो TGT के लिए है। यहाँ पे इन्होंने बताया असिस्टेंट टीचर, साइंस टीचर एंड हिंदी टीचर ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल, मतलब जो 6 से 8 तक हैं तो उनके लिए, वो प्राइमरी था 5th तक के लिए, ये अपर प्राइमरी है, ये 6 to 8 है, तो इसमें भी इन्होंने पे बैंड सेकंड बताया है, और साथ के साथ सैलरी है 14,000 से 70,000 के बीच में, और जो आपके अदर अलाउंसेस है वही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वही सेम इन्होंने जो उस प्राइमरी वाले जो एडवर्टीजमेंट में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी वो सेम ही इन्फॉर्मेशन है इसमें भी। तो इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी 1750 पोस्ट हैं, और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं हम एक बार। तो ये कंडीशन तो सेम ही है इसकी भी, बट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख सकते हो आप। असिस्टेंट टीचर फॉर अपर प्राइमरी स्कूल के लिए इन्होंने बोला कि आपके पास 12th होनी चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो 12th के आपके 5% मार्क्स लगेंगे, ग्रेजुएशन के 5% मार्क्स हैं, और अगर आपने 2 ईयर डिप्लोमा किया है इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बैचलर ऑफ एजुकेशन किया आपने तो 5 मार्क्स उसके लगेंगे। और यहाँ पे आप एक ये भी ध्यान दे सकते हो, यहाँ पे इन्होंने बोला कि
स्पेशल एजुकेशन वालों को भी कंसीडर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए, ये आप देख सकते हो। तो लिखा हुआ यहाँ पे कि आप देख रहे हो कि 5% मार्क्स सिक्योर्ड इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन, डीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड स्पेशल एजुकेशन। तो अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में भी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि आपके टेट के 80% मार्क्स लगेंगे, आपने जो भी टेट क्वालिफाई किया तो उसके 80% मार्क्स हैं। और वही फिर एनसीसी का अगर आपके पास है, अगर आपने स्पोर्ट्स में किया है और कल्चरल प्रोग्राम में किया है तो आपके मैक्सिमम 5% उसका मिल सकता है। तो देख सकते हो आप, ऐसे आपका बनेगा परसेंटेज। उसके बाद इन्होंने बताया साइंस टीचर के लिए जो कि अपर प्राइमरी स्कूल के लिए है, तो इसके लिए भी वही है कि स्पेशल एजुकेशन वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो हिंदी के लिए है, तो हिंदी के लिए भी स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कंडीशन सेम ही है इसमें भी, तो जो भी साथी फॉर्म फिल करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अभी फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं तो अभी 4-5 दिन बाद फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे, क्योंकि इन्होंने बोला कि 2 जनवरी से फॉर्म फिल स्टार्ट होंगे होना, तो उसी के बाद आप फॉर्म फिल कर पाओगे। और ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा आपका, तो किसी को भी ऑफलाइन फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म फिल करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि 2 जनवरी से 2 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो जो भी साथी एलिजिबल हैं और वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो ज़रूर अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। और यहाँ पे एक बात देखने की है कि इन्होंने जो फॉर्म फिल करने की फ़ीस है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं की हुई है, तो इसके लिए शायद कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट आई है। जैसा कि आप देख रहे हो प्राइमरी में 3800 पोस्ट हैं और जो अपर प्राइमरी में 1750 पोस्ट हैं। तो जो भी साथी एलिजिबल हैं और जॉब करना चाहते हैं तो वो ज़रूर वहाँ पे फॉर्म फिल करिए। और साथ में ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी आप फॉर्म फिल सॉरी साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।